आज हम देखेंगे कि इसमें कॉपी कैसे किया जाता है, कट कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, फॉर्मेट पेंटर कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ जो लिखा हुआ 1 से लेके 10 तक, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे माउस से और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। सॉरी, पेस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ भी रहना चाहिए और यहाँ भी रहना चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगर इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट क्लिक कर देंगे। अब क्या होता है ना कि जब कट पेस्ट करते हैं तो यहाँ से कट के यहाँ पे हो जाएगा, अगर कॉपी और पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर दिए, इसमें अगर कुछ हम बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है ना, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, अगर फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट कर लिए इसको और यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिए और सिर्फ इस पर हमको क्लिक कर देना है, बस ऑटोमेटिक ये यही फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपका क्लिपबोर्ड ब्लॉक क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो आप का वर्क है कि आप ऐसे ही डाटा बना के कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करें। थैंक यू।